मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस केवल देश को भूमि का टुकड़ा समझती है, भाजपा देश को मां मानती है। कांग्रेस घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून को खत्म करने की बात कह रही है। हरियाणा में एक कहावत है, जो अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाता वह सपूत नहीं कपूत होता है। इसलिए कांग्रेस वाले कपूत है जो भारत माता को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सुधारना आता है, विपक्ष केवल जनता को गुमराह कर रहा है, लेकिन उसका भी इलाज जनता ही करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने लाडवा मंडी में विजय संकल्प रैली में सरकार की योजनाएं गिनाई और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे। मनोहर लाल ने भाषण की शुरुआत भारत माता की जयकारों से की, लेकिन पहले ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिस पर सीएम ने कहा कि अभी तो आवाज कुरुक्षेत्र नहीं पहुंची तो दिल्ली कैसे जाएगी। फिर 2-3 बार नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास तो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। वहीं मंच से सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता ही अपने वर्करों से कहते हैं कि वे कांग्रेस के नाम पर वोट मांगे, प्रत्याशी के नाम पर वोट मांग ले, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम पर वोट ना मांगे। वहीं इस रैली के लिए यूं तो भाजपा ने पूरा जोर लगाया था, शेड के नीचे खुली कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन पीछे बैठे हुए लोगों को जब सामने का मंच नजर नहीं आया तो लोग मंच के आगे आकर ही बैठ गए, जिसके कारण पीछे कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। हालांकि सीएम समेत अन्य नेता समय रहते रैली में पहुंचे थे। जब सीएम भाषण देने लगे तो कई लोग गर्मी के चलते उठकर जाते दिखे। अशोक तंवर डेरा पहुंचे सिरसा में, क्या कहेंगे कि डेरे के समर्थन की वजह से सियासत शुरू हो गई? लोकतंत्र में कोई किसी से वोट मांगे हमको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जिसके पास वोट का अधिकार उसके पास वोट मांगने के लिए सब जाएंगे और वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। हाँ, जिसने वोट देना है उसको सोच समझ के देना है कि जिसको वोट दे रहे हैं वो उसका हकदार है कि नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में वोटर का एक अधिकार है, उस अधिकार को मांगने के लिए अपील करने के लिए सब जाएंगे, लेकिन वोटर को तय करना है कि उसको। 8 मई को प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में आ रहे, इससे पहले भी आए थे? हमेशा चुनाव के समय तो लोकसभा के चुनाव में खास करके हर बार वो आते हैं। इस बार भी उनकी 3 रैलियाँ उन्होंने तय की हैं। उनके अलावा इसमें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उनकी भी 5-6 रैलियाँ होंगी और राजनाथ सिंह जी की, सुषमा जी की, कई बड़े नेता वो आने वाले हैं और उनके सबके कार्यक्रम में वो बन चुके हैं और वो आकर चुनाव का एक सिलसिला रहता है, ऐसा होता है जो देश भर के अंदर एक मंथन होता है। और चूँकि लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये है, प्रदेश का चुनाव तो है ना, इसलिए लोकसभा के चुनाव में स्वाभाविक है वो आएंगे, और जब वो आएंगे
भारी समर्थन से लोग जो है सामने जब आएंगे तो अपनी बात रखेंगे और लोगों को अपील करेंगे। 10 मई कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें, 12 में कांग्रेस में आपने ऐसा कहा, क्या 23 मई 12 बजे दोबारा 23 मई कांग्रेस।